अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैसे सिया कितनी खुशनसीब है ना अपनी, जिसको इतना प्यार करने वाला मंगेतर मिला। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं, है ना? हाँ काकी साहब, दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिन्हें इतना प्यार नसीब होता है। सिया उसमें से एक है। I love you. I love you. I love you. I love you too. कौन हो तुम? सिया का मंगेतर वंश। मैं सिया रघुवंशी, तुम्हारे बिना जीना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। Will you marry me? लाइए अपना हाथ दीजिए। अबीर, कितना खून बह रहा है, क्या क्या हुआ? मैं एक मिनट, फर्स्ट एड किट लेके आती हूँ। नहीं अपनी, विश्वास जी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए प्लीज। अबीर ये क्या कर लिया आपने? लाइए काका साहब। अबीर, क्या आपके मन की उधेड़बुन को अच्छी तरह से समझते हैं? आप यही सोच रहे हैं ना कि आपकी विधि किसी और की कैसे हो सकती? लेकिन अबीर, समझने की कोशिश कीजिए। आज वो किसी और के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अबीर की विधि नहीं बल्कि वंश की सिया है। डॉक्टर साहब, हमारा मन चीख चीख कर कह रहा है कि गलत हम ही है, वरना हमारे से नफरत करते, उन्हें लगता है कि हम विधि, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं हमारे लिए प्यार छिपा है। हो सकता है, उन्हें को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि तुम्हारे बन्ना साह ने ऐसा क्या किया कि तुम उसकी वकील बन बैठे। डॉक्टर साहब, बन्ना साह ने हमारे को बचाया, वो चाहते तो छोड़ सकते थे मारे को मरने के लिए, लेकिन नहीं, अपनी नफरत के आग में मारे को भस्म होने देते। लेकिन उन्होंने सबसे पहले मारे को गुंडों से बचाया। चाकू है चाक बना, गोली मार देंगे। फिर उस भांसी के फंदे से बचाया और फिर मारे को बचाने के लिए उन्होंने हर हद पार कर दी। डॉक्टर साहब, ऐसा हो सकता है ना कि वनसा की नफरत एक बहुत बड़ी गलत फहमी हो। बस विधि, तुमने अपनी आंखों पे प्यार का चश्मा लगा रखा है। ये चश्मा उतारो और देखो कि तुम्हारे दिल में उसके लिए 99% नफरत और 1% प्यार है, और मुट्ठी भर प्यार समंदर जितनी नफरत पर हावी हो रहा है। तुम अपने कातिल के प्यार में अंधी हो चुकी हो, और तुम ही बताओ कि तुम्हें किडनैप कौन करा सकता है? कौन है जो तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता है? तुम्हारे बन्ना साहब, वो अबीर। इसीलिए कह रहा हूं, अपने प्यार को अपनी नफरत पे हावी होने मत दो। अरे राम सिंह, कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बताऊं भैरव सिंह, इस पंखे की आवाज ने खट 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 करके बहुत परेशान कर रखा है, पूरी हवेली सर पर उखाड़ रखी है। और तो और, फोन पे ठीक से बात भी नहीं कर सकते। कम से कम इसे बना के लाएंगे तो फोन पे आराम से बतिया तो सकेंगे हम तुम, हैं? आपके पंखे की कटकट की आवाज आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, जिस गुंडे ने हमें अगवा किया था ना, वो यही बोल रहा था कि फोन पे बात करते वक्त उसे पीछे पंखे की खटखट की आवाज आ रही थी। ये इसका मतलब मेरा शक सही था, तुम्हें अगवा करने वाला इसी घर में। ये सब उस रघुवीर, मेरा मतलब है अबीर का किया धरा है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बन्ना साहब भला अपने आप को क्यों अगवा करवाएंगे? ताकि किसी को उस पर शक ना हो। नहीं, बन्ना साहब
ऐसा नहीं कर सकते। हमारे को उनके ऊपर पूरा भरोसा है और ये बात ना हम साबित करके रहेंगे। और मैं ये साबित करके रहूंगा कि तुम्हें किडनैप करने की साजिश अबीर ने रची थी और 20 करोड़ की फिरौती इस होटल को वापस पाने के लिए मांगी गई थी। ना, मैं ना मानती इसे। ये बनना ऐसा कभी नहीं कर सकते। श्वेति, तुम प्यार में अंधी हो गई हो। तुम ना किसी टीवी सीरियल की हीरोइन की तरह हो जिसे प्यार के सामने कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं सच को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। होलिका दहन, अबीर का घिनौना चेहरा तुम्हारे सामने लाकर रहूंगा, ये वादा है मेरा। ठीक, तुम्हारी भी अम्मे माँ से यही प्रार्थना होगी कि मारा सामना बुराई से हो, चाहे मैं फिर किसी की भी मन में हो। ये सब क्या है? ये सब बाड़मेर को दिल्ली के रंग में रंगने की तैयारी है। मतलब? मतलब आज होली का त्योहार दिल्ली वालों की स्टाइल में मनाया जाएगा। हमारे लिए ये त्योहार हमारी चाट की तरह खास है और होली और होलिका दहन दोनों हम अपनी मंगेतर के साथ मनाना चाहते हैं। वैसे आप सब लोग भी अगर हमारे साथ ये त्योहार मनाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। वैसे ये सिर्फ हम दोनों की नहीं, शादी के बाद आपकी भी पहली होली है ना। अब अभी देखिए क्या कितनी अच्छी तैयारियां हुई है ना। रंगों के त्योहार में क्यों ना हम भी इनके रंग में रंग जाए। जरूर अवनी, आपका हुक्म सराहकों पर। क्या बात है यार, क्या बात है। तो आज दावत हमारी तरफ से और आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज सब खूब नाचेंगे और फुल एंजॉय करेंगे। और ढोल वाले भाई साहब आ जाओ यार। हम पानी पीकर आते हैं। अरे मैम, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत? आपने क्यों तकलीफ की? हमने बोल दी थी ना। वैसे आपकी अंगूठी नजर नहीं आ रही, कहीं गिर तो नहीं गई? एजेंट निर्वीर 007, वो अंगूठी का साइज गलत था इसलिए नहीं पहनी। वैसे मेरी जान के लिए मेरे पास एक और गिफ्ट है। Oh my God, ये क्या है? सुंदर हार है ये वंश, बहुत महंगा होगा ना? कितने का है? महंगा तो है लेकिन तेरे प्यार के आगे इसकी कीमत ही क्या है? वैसे 20 करोड़ का है। बीस करोड़ का कांगो से खास मंगवाया है। वैसे इसका एक एक हीरा अनमोल है और इसलिए इसकी कीमत 20 करोड़ है। लेकिन हमारे प्यार के आगे इन हीरो की चमक भी ठीक ही है ना। डांस करते वक्त
कहीं गिर गया। आप लोग देख क्या रही है, ये लकड़ियां हट पाई, हमारा हार घूम गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सिया होली का बन के तैयार हो चुका, अब इसे खुलवाना अपशगुन होगा। अरे लेकिन अरे मेरी बात सुनो, एक छोटे से हार के लिए ये सब करना। वंश तुम्हें पता है ना, वो मामूली नेकलेस नहीं है, 30 करोड़ का। प्लीज, हमारे नए सफर का पहला शगुन है ये, बड़ी दुआओं से बंधवाई है ये होलिका। मेरी बात मानो, कोई गहना कोई नेकलेस हमारे इस रिश्ते से बढ़कर नहीं है। चलो सब चल के तैयार हो जाते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। 20 करोड़ के हार को मामूली कह रहा है ये लड़का, लगता है जरूर ये सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है, बड़ा अमीर है। 20 करोड़, यही मौका है। होलिका दहन से पहले जब आंगन में कोई नहीं होगा, तब हमें होलिका के अंदर घुसकर वो नेकलेस निकालना होगा। किडनैपिंग से जो पैसे हमारे हाथ नहीं लग सके ना, अब वो उस हार के जरिए निकालेंगे। बोरिया बिस्तर बांध लो विधि उर्फ सिया, तुम्हारा टाइम खत्म होने को है। जाल तो फेंक दिया है, अब देखते हैं मछली फंसेगी या नहीं। डॉक्टर साहब जरूर फंसेगी, जिसने भी हमें अगवा किया ना, वो 20 करोड़ अपनी तरफ आते वैसे ही ठुकराएगा। उस हार की लालच में यहाँ जरूर आएगा, और जब वो यहाँ आएगा तब हम उसे यहाँ रंगे हाथ पकड़ेंगे, इसलिए हमने सारी बत्तियां भी बुझा दी है। इसका मतलब ये है कि अबीर के पकड़े जाने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर साहब देखिए, शिकार अपनी जाल की तरफ बढ़ रहा है, आप जाइए और सबको बुला लीजिए जल्दी। निशांत अपने दोस्तों के साथ होली मनाने गए, करुणा आंटी की तबीयत खराब है और अबीर मुझे मिला नहीं। देखो तैयार हो जाओ, ये होलिका के अंदर ना तुम्हारा पति देव ही तबका बैठा है। अंबे मां लाश रखना। चलो दीदी देखते हैं तो जीत किसकी होती है, हमारे विश्वास की या मेरे लॉजिक की। तक सब जान गए होंगे कि वंश को होली और होलिका दहन का त्योहार कितना पसंद है, तो एक अच्छी मंगेतर होने के नाते हमने होली पर अपनी सारी रिसर्च की है। होलिका अपने भतीजे प्रहलाद के साथ आग में बैठ गई थी, और वो आग जो उसके लिए वरदान होने वाली थी, वही आग उसके लिए अभिशाप भी बन गई, और आज यहाँ वही होने वाला है। सच्चाई को मिटाने के लिए जिसने बुराई की, वो खुद जाके इस होलिका के ओट में जाके बैठ चुका है। तुम कहना क्या चाहती हो? बंद करो अपने ये सब घटिया खेल, तुम बोल तो ये रही हो जैसे तुम्हारी बातों से हम ये मान लेंगे कि सचमुच इसके अंदर कोई छुपा हुआ है। काफी स्मार्ट है आप इस तुम्हें, आपको पता है इस होलिका के अंदर कौन बैठा है? वही इंसान जिसने मुझे अगवा करने के लिए ये सारा स्वांग रचा था, और आज हम सबके सामने उसी का चेहरा बेनकाब करने वाले हैं।
अगर भस्म होने से बचना चाहते हो तो इसमें से बाहर निकलो। अरे ये कैसी बातें कर रही है सिया? इस घर का कोई भी सदस्य आपका अपहरण क्यों करेगा भला? सिया, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये तुम्हारा वहम है, ऐसा नहीं हो सकता। तीन, दो और एक। निशांत, तुम होलिका के अंदर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? अपनी ममता से उठिए और देखिए, आपके बेटे के हाथ में हमारा वो 20 करोड़ का हार है। वही 20 करोड़ जो हमें अगवा करने पर इनको मिलते। वैसे ग्रेट आइडिया, फिरौती नहीं तो मेरा नेकलेस ही सही। अनबिलीवेबल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर को किडनैप करवाने की? तुझे दिखाता हूं कौन हूं मैं। अरे भाई को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सुना था कि एक भाई को दूसरे भाई का दुश्मन बनने में देरी नहीं लगती, लेकिन आज देख भी लिया, तोमर होते हुए इतनी गिनोनी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई आपके निशान में? अपना फैमिली ड्रामा ना बंद कीजिए। सिया सही कह रही है। पुलिस को फोन करो और इसको अभी अरेस्ट करवाओ। देखिए देखिए, हम मानते हैं कि निशांत ने बहुत बड़ी गलती की है और उस गलती की कोई माफी नहीं हो सकती है, लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि कृपया इन्हें पुलिस के हवाले मत कीजिए। देखिए हमारी अपनी तो कोई औलाद है नहीं, जो कुछ भी हमारे लिए निशांत ही है। सिया, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कृपया उन्हें बख्श दीजिए। अबीर क्या कर रहे? छोड़िए निशांत को, क्यों इस तरह गुनेगारों की तरह पकड़ रखा है इन्हें? छोड़िए। महाकुम इसलिए क्योंकि यही गुनेगार है। हमें और विधि को किडनैप कराने के पीछे कोई और नहीं बल्कि निशांत बना कई हाथ है। निशांत बेटा, इतनी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत भी कैसे हुई आपके निशांत बना? भूल गए आप? हमारा इतिहास, हमारा रुतबा और हमारा गौरव, इन सब में से किसी का ध्यान नहीं दिया आपने? और जिस परिवार ने हमेशा सही का साथ दिया उसकी परवरिश को आपने गलत साबित कर दिया। आप जानते हैं आपके भाड़े के गुंडे इस हद तक उतर गए थे कि वो विधि की जान तक लेने की कोशिश कर रहे थे। इनका तो कुछ नहीं पता, लेकिन हम आपको खुद सजा देंगे और आपको पुलिस के हवाले करेंगे। नहीं अबीर भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो कुछ भी किया है ना आपके लिए किया। हमारे लिए, हमें किडनैप करा के हमारी मदद कैसे होती है? आपको किडनैप करने का हमारा कोई प्लान नहीं था। आप पहुंच गए थे वहां पे गलत समय में। हम बदला लेना चाहते थे इस लड़की, इस विधि से, क्योंकि हमसे आपकी बेइज्जती देखी नहीं जा रही थी। ये विधि क्या नहीं किया आपके साथ इसने?
कभी आपको सेक्रेटरी बना दिया, आपसे गुलामों जैसा व्यवहार किया, आपको साड़ी पहना के आपके जुलूस निकाला उसने। अब आप बताइए, एक छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई की बेइज्जती देख सकता है क्या? हाँ, हमने इसको किडनैप करवाया था और 20 करोड़ फिरौती के भी मांगे। बताया क्यों? क्योंकि वो पैसे उसके मुंह पे मार के ना हम अपनी हवेली वापस लेना चाहते थे। गुनाह चाहे किसी भी नियत से किया जाए, वो होता तो गुनाह ही निशांत, और हम आपको इसकी सजा जरूर देंगे। अबीर, रुक जाइए, हर चीज की एक हद होती है बेटा। हम मानते हैं कि निशांत ने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन ये भी तो देखिए कि वो अपने बड़े भाई, अपने आदर्श से कितना प्यार करते हैं कि वो आपको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उस बात की सजा देंगे आप इन्हें। लेकिन माफी तो अबीर को मांगनी चाहिए ना निशांत से। हमारे निशांत ने अपने छोटे भाई होने का हर फर्ज निभाया है, उनकी अच्छाई एक पल में भूल गए आप अबीर। काकी साहब, हमने माना कि निशांत में लाखों अच्छाइयां होगी, लेकिन इनके एक गलत कदम से, एक गलती से इनकी सारी अच्छाई में पानी फिर जाता। सोचिए, अगर विधि को कुछ हो जाता तो हम क्या करते? हम खुद को माफ कैसे करते? विधि नहीं, सिया नाम है इनका, सिया रघुवंशी। आज तक हम आपको माफ कर रहे हैं, अगली बार अगर ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की या ऐसी हरकत के बारे में सोचा भी, तो उससे पहले एक बार जेल की चार दीवारों के बारे में सोच लेना। अगली बार हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जेल पहुंचा के रहेंगे। आप लोग इसको परिवार बोलते हो? अरे मैं तो कहता हूँ सिंचनी बोला करो। पिछले 25 सालों में मैंने इतना ड्रामा नहीं देखा जितना इस 24 घंटे में देखा है। खैर, ऐसे शुभ दिन में कोई कलेश वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, तो चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। सब भूल जाओ, चलो।